और अब बात करते हैं द ग्रेट एयर शो की। हिंद के वाई वीरों का विराट प्रदर्शन, वायुसेना का भव्य पराक्रम। तो भारतीय वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना अपना दम दिखा रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस झील के ऊपर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना जो कि 90 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, ऑल आईज तब यूके की रॉयल आर्मी की सहायता करने के लिए इंडियन रॉयल एयरफोर्स के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अब यह इंडियन एयरफोर्स है। और इंडियन एयरफोर्स जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के सीने में खौफ भर जाता है, उनके दिल दहल जाते हैं, और उसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, ये जबरदस्त मशीनें। आसमान में करतब करते हुए इन लड़ाकू विमानों को आप देख सकते हैं। और हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक लड़ाकू विमान आसमान में परवाज भर रहा है, कौन सा विमान है ये, एक्सप्लेन करें इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए। बना हुआ कोई फाइटर जेट जो कि चौथी जनरेशन का माना जाता है, दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में गिना जाता है, वो आपके सामने कलाबाजियां खाता हुआ नजर आए। LCA तेजस की दो स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी है और उनको कोयंबटूर में तैनात किया जा चुका है, जिनमें 40 एयरक्राफ्ट अब तक बनाए जा चुके हैं। 83 नए तेजस का बनाने को मंजूरी दे दी है सरकार ने, यानी उनका बनना भी शुरू हो जाएगा और कुछ ही सालों बाद भारतीय वायुसेना में 123 स्वदेशी तेजस शामिल हो जाएंगे। आपने इनके मनोवर्स देखे, बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट और बहुत ही अच्छे से ये कार्रवाई करता है। इस समय आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो भारतीय वायुसेना के दो सबसे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट को आप देख रहे हैं और वो है सुखोई और रफाल। सुखोई से खरीदा गया फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी तादाद भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा है। 30, आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। भारत के लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते हुए रफाल और सुखोई, और हमारे साथ इन तस्वीरों को अच्छी तरह से और इलेबरेट करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब हैं। देवनाथ साहब, इन तस्वीरों को देख करके हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर उठता है। ये जो फ्लाईपास्ट किया जाता है इसकी क्या अहमियत होती है, क्या खासियत होती है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए चंदन, ये एक सुनहरा मौका है भारतीय वायुसेना को कि वो भारत की जनता को दिखाए कि भारत की वायुसेना रोज ट्रेनिंग करके किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। ये मेरे लिए और एयरफोर्स के लिए बहुत शानदार मौका है कि हम हमारे दुश्मन को भी दिखाएं। आज पाकिस्तान देख रहा है, चीन देख रहा है कि भारतीय हमारी एयरफोर्स क्या कर सकती है। हमारे पास एक से एक बढ़िया युद्धक विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और अटैक हेलीकॉप्टर है। हम आज एक से एक बढ़िया मिसाइल्स और रडार्स का भी डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं जी। देवनाथ साहब, ये जो आसमान में अभी विमान दिख रहा है ये कौन सा है, क्या ये सुखोई है? जी हाँ चंदन, ये एक सुखोई है, सुखोई 30। इसका जो ओरिजिनल डिजाइन डेवलपमेंट वो रूस में किया गया था, लेकिन दर्शक ये जान के बहुत खुश होंगे, हर्षित होंगे कि अब यह भारत में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ही असेंबल किया जा रहा है। ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू युद्धों में से एक, वायुयानों में से एक है। ये जो है दुश्मन के जहाज को अपने एयर टू एयर रडार पर 150 किलोमीटर की दूरी से देखकर अपने जो मिसाइल है उसको 90 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च करके शत्रु को नष्ट कर सकता है। इसी तरह से सुखोई 30 में जरूरत के मुताबिक हम लेजर गाइडेड बॉम्ब फिट कर सकते हैं जो कि रिलीज के बाद दुश्मन के अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, दुश्मन के टैंक, तोप और उनकी जो ट्रुप्स जो ओपन में डिप्लॉयड है उनको नष्ट कर सकती है। बिल्कुल, इन तस्वीरों में हम सुखोई की कलाबाजियां देख रहे हैं, विमान किस तरह से आसमान में करतब दिखा रहा है और
इसकी गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा है और भारत के आसमान को, भारत की वायुसीमा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन्हीं लड़ाकू विमानों पर होती है, भारतीय वायुसेना पर होती है। अगर देवनाथ साहब, अगर बात की जाए, क्या भारत को दुश्मनों के खिलाफ सुखोई के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी है पिछले कुछ दशकों में? देखिए, सुखोई 30 आने के बाद से सिर्फ एक ही युद्ध हुआ है, कारगिल का युद्ध। कारगिल के युद्ध में सुखोई ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और हमने एयर डिफेंस रोल के लिए यूज किया था, लेकिन कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ग्राउंड अटैक के लिए हमने मिराज 2000 का किया था जी। ये दर्शकों को बताना उचित रहेगा कि उस वक्त मिराज 2000 दुनिया के शानदार वायु फाइटर्स में से एक थे और आज भी हैं। मिराज 2000 ने कारगिल में पाकिस्तानी जो उनके मुजाहिदीन छुपे हुए थे 18,000-20,000 फीट की ऊंचाई पर, उनके ऊपर लेजर बॉम्ब इतने एक्यूरेसी से गिराए कि वह बाध्य हो गए वो अपनी पोस्ट छोड़कर भागने के लिए। बिल्कुल, कृष्ण मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो इसमें अभी भी हालांकि भारत के आयातित विमान ही हैं, लेकिन जैसा कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने बताया कि अब भारत में एचएएल में असेंबलिंग शुरू हो चुकी है सुखोई की, और थोड़ी देर पहले हमने तेजस की कलाबाजियां भी देखी, तो बहुत तेजी से हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो रहे हैं आसमान के इन योद्धाओं को तैयार करने के क्षेत्र में। चंदन, जब आप फाइटर एयरक्राफ्ट के बाईपास में हो तो आवाज बहुत मुश्किल से सुनाई देती है, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी, आप पहले आप तस्वीरों को इलैबोरेट करें कृष्ण मोहन। देखिए, इस समय तीन फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट हैं, वो आपके सामने मैन्यूवर करते हुए इस समय एग्जैक्टली जो आपके कैमरे के सामने है, वो रफाल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है जिसको कि फ्रांस से खरीदा गया है। इसकी दो स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुकी है, एक स्क्वाड्रन अम्बाला में, दूसरी स्क्वाड्रन ईस्ट में मीसामारी में है, नॉर्थ ईस्ट में। रफाल बहुत ही ताकतवर भारतीय वायुसेना में सबसे नया रफाल है। 2020 में जब इसका प्रोडक्शन शुरू ही हो रहा था, उसी समय चीन के साथ लद्दाख।